आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इससे पूर्व में प्रचलित पुरातन व्यवस्था अर्थात फ्रेंच क्रांति से पहले की जो फ्रांस में व्यवस्था प्रचलित थी उसे पुरातन व्यवस्था कहा जाता है, ओल्ड रिजिम कहा जाता है। उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन इस क्रांति के द्वारा हुआ और इसने विश्व को कुछ नवीनताएं दी, नवीन आदर्श दिए, नवीन व्यवस्थाएं प्रदान की। इस क्रांति ने, जैसा कि हमने चर्चा की थी, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदलते हुए एक नई नवीन व्यवस्था को जन्म दिया और इसने विश्व के समक्ष तीन महान आधुनिक आदर्श रखे, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन आदर्श विश्व के समक्ष इस क्रांति के द्वारा ही सामने आ पाए। इन तीनों आदर्शों ने प्राचीन व्यवस्था ओल्ड रिजिम को बदलकर उसके स्थान पर नवीन व्यवस्था को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण बहुत सारे विद्वानों का तो ये भी मानना है कि यदि आधुनिक युग की शुरुआत वास्तविक रूप से हम माने तो फ्रांस की क्रांति से ही इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि इसने प्रचलित पुरातन व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर एक नवीन व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें ये स्पष्ट कर दिया कि सत्ता जो है वो ऊपर से नहीं आती बल्कि जनता के द्वारा नीचे से उठकर ऊपर जाती है। स्वतंत्रता का यह विचार राजा या सत्ता या परंपरा के प्रति जो एक स्वाभाविक आज्ञाकारिता का प्राचीन या पुरातन सिद्धांत था उसके विरुद्ध था। इसी प्रकार समानता के सिद्धांत ने तत्कालीन प्रचलित कुलीन वर्ग के विरुद्ध और उनको प्राप्त परंपरागत विशेषाधिकारों के विरुद्ध एक नवीन असंतोष के द्वारा उत्पन्न चुनौती को सामने रखा और इसमें यह स्पष्ट रूप से बात सामने रखी गई कि सभी व्यक्ति समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भ्रातृत्व या बंधुत्व के संदेश के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मनुष्य के बीच में राष्ट्रीय प्रेम एवं सौहार्द की भावना बनी रहनी चाहिए। सभी लोग आपस में भाई हैं, बंधु हैं और उनके बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक घटना पुनर्जागरण के रूप में हुई यूरोप में, इसने प्राचीन
विचारों के स्थान पर नवीन विचारों, मानववादी सोच और धर्म आधारित रूढ़िवादिता को समाप्त करके नवीन विचारों को जन्म दिया। और एक घटना फ्रांस की क्रांति के रूप में हुई, जिसने इस पुरातन रिजीम यानी ओल्ड रिजीम को, पुरातन व्यवस्था को बदल कर उसके सामने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के तीन नवीन आदर्श रखे। यह क्रांति फ्रांस में कई वर्षों से उत्पन्न असंतोष की परिणाम असंतोष के विरुद्ध एक परिणाम था। 1787 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी की बीच में जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं की एक क्रियात्मक परिणति थी। और इस परिणति के पीछे जो मुख्य फोर्स करने वाला या दबाव वाला जो कारक था, वह प्राचीन व्यवस्था थी। वैसे तो किसी भी घटना या क्रांति के पीछे अनेक छोटी छोटी घटनाएं और उनके द्वारा उत्पन्न असंतोष होता है, और उन छोटी छोटी घटनाओं से जो धीरे धीरे क्षोभ, असंतोष और किसी व्यवस्था के प्रति जो घृणा का रूप है, वो धीरे धीरे एकत्र होकर बड़ा होता जाता है। और फिर कुछ परिस्थितियों वश उत्पन्न घटनाओं से वह अचानक से बाहर निकलकर फूट पड़ता है। इसलिए अगर हम ये कहें कि किसी भी क्रांति के पीछे मुख्य घटना की शुरुआत कब हुई, या क्रांति की घटना या उस घटना की शुरुआत कब हुई, तो हम ये तय करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा की, वह घटना अनेक छोटी छोटी घटनाओं द्वारा उत्पन्न असंतोष का सामूहिक परिणाम होता है। और ये बात फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में भी कही जा सकती है। मोटे तौर पर माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई, परंतु 1789 ईस्वी में भी फ्रांस की क्रांति किस दिन से प्रारंभ हुई, इसके विषय में भी मतभेद हैं। जैसा कि हमने वर्ष के बारे में चर्चा की, हालांकि इस मामले में विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति नहीं हुई। सभी लोग मानते हैं कि 1789 ईस्वी क्रांति के वर्ष के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु 1789 में भी किस तिथि से या किस दिनांक से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाए, इसके विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि 5 मई 1789 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत की तिथि मानी जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन फ्रांस में एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था। और इस एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन के बाद में फिर कभी जो असंतोष रूपी उत्पन्न घटनाएं थी, उन घटनाओं की जो लड़ी है आगे लगातार चलती रही। एस्टेट्स जनरल एक प्रकार का एक संस्था थी जो फ्रांस के तीनों अंगों अर्थात फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के द्वारा चुने हुए लोगों की संस्था थी, जो राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी। और जब
राजा ने इस एस्ट्रो जनरल का अधिवेशन बुलाया 5 मई 1789 के। उसके बाद जो थर्ड स्टेट यानी आम जनता थी उसने अपने मांगों को लेकर जो कार्रवाई प्रारंभ की वो लगातार आगे चलती रही। इसलिए बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि 5 मई 1789 ही क्रांति की शुरुआत थी। इसके इस मत के विपरीत कुछ विद्वान मानते हैं कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी में क्रांति की शुरुआत हुई। इस दिन क्रांतिकारियों ने राजा के एक दुर्ग बास्तिल को लूट लिया था। बास्तिल का दुर्ग प्रतिक्रियावादी पतन का एक प्रतीक था, पुरातन व्यवस्था का जीता जागता नमूना था, और जब उसको लूट लिया गया तो माना गया कि अब पुरातन व्यवस्था की शुरुआत हो गई है, पुरातन व्यवस्था की समाप्ति की शुरुआत हो गई है। इसलिए बहुत सारे विद्वान 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानते हैं, और फ्रांस में इसी दिन नेशनल हॉलीडे भी मनाया जाता है। कुछ अन्य विद्वान जिनमें आधुनिक विद्वानों की विचार प्रमुख रूप से शामिल हैं, उनका मानना है कि फ्रांस की क्रांति की कोई भी एक निश्चित तिथि निश्चित करना उचित नहीं है, क्योंकि क्रांति अनेक घटनाओं का मिलाजुला परिणाम था। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, शांति की जगह आप क्रांति पढ़िए। क्रांति अनेक घटनाओं का मिलाजुला रूप था, और जो यहाँ पर आप शांति देख रहे हैं इसको क्रांति समझिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जिसमें कई दिनों से व्याप्त निरंतर असंतोष और उसके पीछे कई कारण और घटनाओं का एक साथ था। इसलिए हमें निश्चित रूप से नहीं कहना चाहिए कि क्रांति एक पर्टिकुलर दिनांक या तिथि पर शुरुआत हुई। तो आज हमने इस परिचयात्मक टॉपिक में हमने फ्रांस की क्रांति और उस क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी उसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की है। आशा है ये टॉपिक आगे की फ्रांस की क्रांति को समझने में हमें एक आधार के रूप में सहायता प्रदान करेगा। धन्यवाद।